बेसिक एप्लीकेशंस और हैं आपकी इसके बेस्ड आपकी बड़ नॉलेज की। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि जो जब बहुत तेज तूफान आता है तो जो घरों की जो छत है, जैसे जो आपके घरों की जो छत जैसे टिन शेड की होती है, ठीक है, छप्पर जो होते हैं वो बहुत तेज तूफान में उड़ जाते हैं। एक्चुअल में उनका जो उड़ने में जो लॉजिक है वो भी बर्नौली थ्योरम पर ही बेस्ड है। होता क्या बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई छत है, ठीक है, तो जब तूफान आता है तो तूफान आने पर जो छत के ऊपर तूफान आने पर क्या होगा, एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो तूफान आने पर जो छत के ऊपर जो एयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। और एयर की वेलोसिटी बहुत हो जाना होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ही बड़ी हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो कोलाइडर की होती है प्रेशर एनर्जी, क्योंकि फ्लोइंग लिक्विड में या फ्लोइंग फ्लूइड में तीन तरह की एनर्जी समावेश होती है, तो यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कुछ चेंज आएगा ही, ठीक है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई, उसको ना कौन सी एनर्जी चेंज होगी, प्रेशर एनर्जी क्या होती है, डिग्री होनी चाहिए। प्रेशर एनर्जी पॉइंट मॉडल क्या होती है, पी, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहां प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो आप ये कहोगे कि एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो कौन सी एनर्जी घट गई, प्रेशर एनर्जी, मतलब प्रेशर घट गया। तो इस एयर छत के ऊपर जो प्रेशर होगा क्या होगा, छोटा होगा। अगर मैं छत के नीचे बात करूं, छत के नीचे जो एयर है उस एयर की वेलोसिटी कितनी ज्यादा नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या कम, तो वेलोसिटी कम है, तो इसकी वेलोसिटी कम होने के कारण क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब बता कि ये चीज कम है तो यहां पे कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहां पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, प्रेशर। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, छत के नीचे प्रेशर क्या हुआ, बड़ा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो छत के नीचे प्रेशर क्या बेटा, ज्यादा, और छत के ऊपर प्रेशर क्या है, कम। तो इस प्रेशर डिफरेंस कारण क्या होगी, ये छत ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन हो गई। देखो तो आपसे अगर कहा जाएगा तूफान आ रहा हो तो घर के खिड़की दरवाजे क्या होने चाहिए, खोल देने चाहिए, वो ज्यादा सेफ है, उसमें ज्यादा सेफ है, सेफ्टी है। क्यों, क्योंकि घर के खिड़की दरवाजे खोलने पर क्या होगा, एयर जो की जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, लगने में अजीब लगता है बट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तूफान में खिड़की दरवाजे अगर खुले हो तो छत के उड़ने का डर के रहता बेटा कम रहता। देखो आप जो एरोप्लेन है, जैसे आपसे कभी पूछा जाता है कि जो एरोप्लेन है ये एरोप्लेन कैसे उड़ता है, आप ये सर ऐसे उड़ता, ऐसे उड़ता ना, देखो इसको ऐसे उड़ाने के लिए, ऐसे उड़ाने के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, और वो लॉजिक कौन सा, बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से ही आपका एरोप्लेन उड़ता है। अगर आपसे कहा जाए कि एरोप्लेन का उड़ना किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो बेटा वो प्रिंसिपल कौन सा, वो सिद्धांत कौन सा है, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम पर आपका एरोप्लेन। एक्चुअली होता क्या, वही छत वाला जो रूल है वही उसमें लगेगा। बेटा होगा क्या कि जो आपकी एरोप्लेन होता है उस एरोप्लेन के अंदर क्या होती है, विंग्स होती है, ये विंग्स होती है ना इस तरीके से। अब जो इसके जो ब्लोवर्स होते हैं जो हवा काटते हैं, जिससे हवा मिलती है चलाने घुमाने के लिए, तो जो एयर वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है जो ब्लोवर्स होते हैं, ठीक है, उनके कारण क्या होती है, जो एयर होती है उस एयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, विंग के ऊपर क्या होती है, विंग के ऊपर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो कौन सी एनर्जी कम हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऊपर विंग के ऊपर क्या होगा, वही चीज, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि विंग के नीचे वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा कम होती है, वेलोसिटी कम होने के कारण कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा, तो विंग के नीचे प्रेशर क्या होगा, बढ़ा, तो विंग के ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ये प्रेशर क्या कर देगा, उस एरोप्लेन को लिफ्ट कर देगा। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, एरोप्लेन लिफ्ट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बोला है बेटा, आप ये चीज अपनी वर्डिंग में नोट करें। हाँ जी बेटा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कई बार नारीला कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आप उस पाइप का यूज करते हो, तो आप पाइप का यूज करते हो, तो जैसे आप सक करते हो उसे, चूसते हो इस तरीके से, तो इस तरीके से चूसने पर क्या हुआ, ऐसे सक करने पर क्या हुआ, ऐसे खींचने पर, ठीक है ना, तो इस तरीके करने में आप देखते हो जो कोल्ड ड्रिंक है वो आपके मुंह में आ जाती है। एक्चुअली ऐसा ये चीज भी आपके बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड है।
एक्चुअली आपने क्या किया कि जब आपने उस पाइप को सक किया, आपने उसको इस तरीके से किया, तो ऐसे करने पर क्या होगा, ऐसे करने पर क्या होगा कि जो आपने इसके अंदर एयर थी वो इस एयर को आप खा गए, इसका जो एयर थी एयर क्या कर रहे हैं आप खा गए, तो यहां पर जो प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, ये जगह प्रेशर क्या हो गया कम और इधर प्रेशर क्या ज्यादा, ठीक है, इधर प्रेशर कम, तो प्रेशर डिफरेंस कारण क्या हुआ, ये लिक्विड क्या हो जाएगा अपने आप ऊपर की ओर, क्योंकि इधर प्रेशर क्या कम, इस जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, आपने सक कर लिया तो इधर प्रेशर क्या हो गया कम, तो इधर प्रेशर क्या है ज्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस कारण क्या हुआ, ये लिक्विड क्या हो जाएगा ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ठीक है, और आपके मुंह में कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, तो ये भी आपकी बड़ नॉलेज की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक फैक्टर होता है मैग्नस इफेक्ट, नेक्स्ट मैग्नस इफेक्ट, MAGNEOUS मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस प्रभाव बोलते हैं हिंदी में भी से, और देहाती अपने जो वर्ड हम बोलते हैं स्विंगिंग ऑफ बॉल, स्विंगिंग ऑफ बॉल, तो बॉल का जो स्विंग होना है, है? वही बॉल में स्विंग हो गई, तो स्विंग बॉल का स्विंग होने का जो लॉजिक है वो भी आपके बर्ड नॉलेज पर होगा। क्या बेटा, जैसे आपकी मान लीजिए एयर चल रही है, हवा चल रही है, ये हवा फ्लो कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से हवा फ्लो कर रही है, तो इस हवा में आपने क्या किया, ये मान लीजिए आपने ये बॉल घुमाई, ठीक है, आपने इस बॉल को मान लीजिए इस तरह घुमाया, जब आपने इस तरह बॉल घुमाया तो एयर जो इस एयर के पार्टिकल्स, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स बॉल के ऊपर है, ठीक है, उससे क्या होगा कि इस पॉइंट पर पार्टिकल उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक तो एयर की वेलोसिटी और ये स्विंग करने का यहां पर की रोटेशन समझ सकते, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहां पे क्या हो बेटा इस जगह से एकदम, ठीक है, इसकी रोटेशन मान मोशन का जो वेलोसिटी होगी वो इधर और एयर की वेलोसिटी किधर है इधर, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ गई सुनो, इसके बॉल को जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो कौन सी एनर्जी घट गई, प्रेशर एनर्जी घट गई, क्योंकि कुल एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट, और इधर वेलोसिटी क्या हो गई घट गई, इधर वेलोसिटी घट गई, तो वेलोसिटी घटने का कारण क्या होता, इधर प्रेशर एनर्जी बढ़ गई, तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो बॉल के नीचे प्रेशर क्या हुआ ज्यादा, बॉल को ऊपर प्रेशर क्या हुआ कम, तो इस प्रेशर डिफरेंस कारण क्या हुआ, बॉल हवा में उड़ जाएगी, और हवा में इस बॉल के उठने को क्या बोलते हैं स्विंग होना, क्या बोलते बेटा स्विंग होना, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी बॉल स्विंग हो जाएगी, तो इसे आप स्विंगिंग और बॉल कर रहे हैं मैग्नस इफेक्ट के, ठीक है, तो ये भी किसकी एप्लीकेशन है आपकी, इसकी एप्लीकेशन, तो आप कई बार ऐसा होता है कि जो बॉलर्स होते हैं उस बॉल को घिसते हैं, है ना, वो एक जगह घिसते हैं दो जगह से एक जगह घिसते हैं, क्यों, उस घिसने से एक इफेक्ट आता है, जब वो बॉल को इस तरीके से रगड़ते हैं तो रगड़ने पर यहाँ पर पॉलिश सतह बन जाती है, चिकनी सतह बन जाती है, और इस सतह पर एयर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं ज्यादा संख्या में चिपक जाते हैं, तो एयर के पार्टिकल संख्या में चिपकने के कारण एयर के पार्टिकलों की ज्यादा संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, इधर प्रेशर क्या होगा बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगी, ठीक है ना, तो जिस कारण क्या होगा एक जगह प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एक प्रेशर कम, एक जगह प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा आपकी बॉल में स्विंग होने के ज्यादा चांस होंगे। तो देखो कई बार जब कमेंट्री होती है तो वहां पे भी कहते हैं कि हवा इस तरह चल रही है तो इसके स्विंग होने की पॉसिबिलिटी इधर ज्यादा है ना, तो इधर बॉल की स्विंग हो जाएगी, इस तरह की हवा चल रही है, तो ऐसे कमेंट्री में बोला जाता है, तो वही लॉजिक इसका है, ये आपकी बर्नौली का ही लॉजिक है, यहां तक आप नोट करें अपनी भाषा में जो मैंने बोला। हाँ जी, नेक्स्ट है देखो बेटा एटमाइजर, एटमाइजर क्या, आप ऐसे समझो कि जैसे आप नाई की दुकान पर जाते हो तो जब आप सेविंग करवाते हो या बाल की कटिंग करवाते हो तो नाई क्या करता है आपके बाल पर इस तरीके से ऐसे हैं फुव्वारे से मारता पानी है ना, मारता नहीं मारता, वो चीज एटमाइजर ही है एक तरीके से, ठीक है ना, उसमें इस तरीके से करके एक्चुअल में क्या होता है वो एटमाइजर करवा करता है, यहाँ पर आपका इस तरीके जो चीज यहाँ पर इस तरीके से दबाने पर होगी वहां पर उसके जो हैंडल होता है उसको करने पर, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि एक्चुअल में क्या हुआ एटमाइजर में, जब मैं इस वाले बैलून को दबाऊंगा तो बैलून के दबाने पर मैंने कुछ एनर्जी दी, मैंने कुछ एनर्जी दी मतलब एक कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, और एनर्जी समझो कि मैंने इसको यहां पर पार्टिकल्स या यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की,
ठीक है। इस तरीके से मैंने करने पर मैंने क्या किया, जब मैंने ऐसे किया तो इस तरह दबाने पर मैंने क्या किया, यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी मैंने प्रोवाइड की, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मैंने प्रोवाइड की। तो उस काइनेटिक एनर्जी के प्रोवाइड होने के कारण यहां पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, घट गई तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, इस जगह प्रेशर कम हो जाएगा और इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इधर प्रेशर बढ़ा है, इधर प्रेशर क्या है, कम है। तो इस ज्यादा प्रेशर कारण क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे शुरू में क्या है, तो यहाँ पे कुछ मिनट निकला तो शुरू में यहाँ पे क्या एयर है, ठीक है, इधर एयर है, इधर एयर है, इधर एयर है, तो इधर एयर के पार्टिकल्स है ना, मैंने क्या किया, इसको दबाया, तो कैसे दबाने पर मैंने क्या किया, एयर के पार्टिकल क्या दी, कुछ काइनेटिक एनर्जी, अब कुल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर मैंने एयर के ऐसे करने पर मैंने एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो मैंने क्या किया, प्रेशर एनर्जी को घटा दिया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बेटा घट जाएगा, और इधर एटमोस्फेयर प्रेशर रहेगा, तो इधर प्रेशर कम और इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर होने के कारण यहां प्रेशर डिफरेंस कारण क्या होगा, ये लिक्विड क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, और ऊपर के चढ़ने पर ये लिक्विड यहां से ऊपर की ओर जाएगा और चढ़ के इसमें आ जाएगा, और इधर से एक्स्ट्रा एनर्जी को ये प्रेशर के लिए लिक्विड क्या होगा, इस तरीके से हवा लिक्विड में बाहर निकलेगा, यहां पे फ्लो वाले लिक्विड से बाहर आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, एटमोस्फेयर कहलाती है, आप अपनी वॉल्यूम में लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना साइफन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्टर्स, इधर हम अपनी लगभग कंप्लीट हो जाएंगे इसे कराने पर। बेटा जैसे कई बार आप देखते होंगे किसी टैंक में से हमें जैसे तेल निकालना होता है, पेट्रोल डीजल वाले भी ये काम करते हैं, या फिर पानी निकालना होता है तो हमें करते हैं एक पतली सी नली लेते हैं और उस नली को उसके अंदर डुबो देते हैं और उसको थोड़ा सा हम जो इसके अंदर एयर है उस एयर को एक बार थोड़ा सा हम चूसते हैं, इसके अंदर सक करते उस एयर को खींचते हैं और थोड़ा सा एक बार खींचने के बाद एक बार एयर खींची जाती है, उसके बाद थोड़ा सा एक बार पानी आने के बाद फिर इसको हम छोड़ देते हैं और लगातार इससे ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, पानी आता रहता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, वो होता नहीं होता, ठीक है। तो मेड से कहा गया कि यह आपका सिस्टम है, न्यूमेरिकली समझो और इसमें पाइप डाल दी गई है, बताओ इसमें से वाटर कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा, ठीक है, तो वो चीज ये आपकी साइफन कहलाती है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब हम एयर यहां पे अगर हम देखे जाए तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एयर पी नॉट, ठीक है। अब क्या होगा जैसे ही मैं इसको एक बार सक करूंगा, मुंह से इसकी हवा को खींचूंगा, तो हवा से खींचने के कारण इस एयर को मैं यहां से खाया हुआ समझू, एयर खाया हुआ यहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, यहां पर एयर क्या है नहीं, तो एयर में खा गए तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, यहाँ प्रेशर क्या होगा कम, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हुआ, ये लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, और एक बार ये लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ गया, एक बार ये लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ गया, उसके बाद क्या हुआ, इसको फिर मैं कुछ ना बदलूं तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आता रहेगा, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी आ जाएगा इसको हम देख लें, तो बेटा हम क्या करेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे लगाते हैं, पास को लगाते हैं, जब अगर मैं इस एक पॉइंट ये लेता हूँ और वन वाले किस लगाए था, एक पॉइंट लेता हूँ वन और एक पॉइंट टू, अगर वन और टू पॉइंट पे लगाऊ वन वाले किस लगाऊ तो क्या होगा, पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर पी नॉट प्लस, देखो ये जो पॉइंट है इस सरफेस पर और इस सरफेस की वेलोसिटी क्या मानेंगे आप, जीरो, तो बहुत सरफेस बहुत बड़ी, तो वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, जीरो, तो काइनेटिक पॉइंट वैल्यू क्या होगी, जीरो। मान लीजिए ये आपका बेस है, यहां से मैं बेच लेता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, अगर ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, रो जी एच, यहां साइड मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस साइड से, रो जी एच प्रेजेंट वॉल्यूम, यहां पर बेटा यहां पर कितना पी नॉट प्लस लिक्विड की वेलोसिटी सर आप यहां पर लिख लो हाफ रो स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो की अपना रेफरेंस लाइन, तो यहां पे क्या होगा पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो आपका रो जी एच इक्वल टू क्या हुआ हाफ रो v स्क्वायर, तो रो से रो कैंसिल, तो v स्क्वायर कितना आ गया आपका 2gh और v इक्वल क्या आ गया आपकी अंडर रूट 2g, तो अंडर रूट 2g वेलोसिटी से आएगा। तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, ये हाइट कितनी भी हो, ये हाइट कम हो या ये हाइट कम हो, इसमें कोई रोल नहीं है, बस जो ये लेवल है ये वाले की लेवल ये इसका रोल है, इसकी हाइट अगर आप ठीक है इसमें आपका नीचे करो चाहे इस वाले को कितना ऊपर ले जाओ, इसको ऐसे नहीं कि इसको मैं बहुत ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा, तो नहीं, एक बार पानी चढ़ना चाहिए यहाँ, एक बार पानी ऊपर वो चढ़ गया वो कंटिन्यू क्या करेगा आता रहेगा, क्योंकि इधर प्रेशर डिफरेंस करने क्या हुआ ये आता रहेगा,
ठीक है ना। तो एक बार तो इस हाइट पे ऐसा रोल होता है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस वाले हाइट को देखो, इस वाले हाइट से ये पाइप ऐसा कितने नीचे नीचे है और उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लो आप वेलोसिटी, कैलकुलेट करो तो वेलोसिटी क्या होगा अंडर रूट 2gh। तो इस तरीके से हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप ये नोट करो, आपकी बर्नौली इक्वेशन कंप्लीट, लगभग आपका फ्लूइड डायनेमिक्स भी कंप्लीट है। अब हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें और आपकी जो नया क्वेश्चन है ठीक है इसका ही एक, जिसमें हम अब तक आपने पढ़ाई की आइडियल फ्लूइड के बारे में, अब हम पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, नॉन आइडियल मतलब आपका जो रियल फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी होती है ठीक है, श्यान द्रव के बारे में ठीक है, विस्कोस फ्लूइड के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेंगे ठीक है। नोट करो सारा कुछ।